केन्द्र क्याबिनेट्र गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति एणिकि सरकारी चाकिरीरे आर्थिक अनग्रसर सवर्णको पई 10% संरक्षण रहिबो। ए संपर्कित प्रस्ताव केन्द्र क्याबिनेट्रे मंजूर होईछि। पे पूर्व निर्धारित 50% संरक्षण बाहरे रहिबो। ए 10% संरक्षण 60% संरक्षण पई संसदरे आसिबो संविधान संशोधन बिल। काली लोकसभारे संविधान संशोधन बिल आगत होईपारे। संविधानर 15 एवं 16 धारारे संशोधन पई बिल आसिबो। सरकारी चाकिरीरे सर्वाधिक 50% संरक्षण रखिबाकु कहिथिले सुप्रीम कोर्ट। लोकसभा निर्वाचन पूर्वरु मोदी सरकारक बड़ ग्याम्बल। आर्थिक दृष्टिरु पछुआ सवर्णक सरकारी चाकरी और शिक्षा क्षेत्र में 10% संरक्षण प्रस्ताव को कैबिनेट मंजूरी देछे। सोमवार केन्द्र कैबिनेट बैठक में आर्थिक अनग्रसर सवर्णक संरक्षण संपर्कित प्रस्ताव अनुमोदन होइछे। मंगलवार पार्लियामेंट में संविधान संशोधन बिल आणिबे सरकार। पूर्व निर्धारित 50% संरक्षण बाहर रहिबो 10% संरक्षण। भारतीय संविधान रे आय आधार रे संरक्षण रे व्यवस्था नहीं। आउ मोदी सरकार को गेम चेंजर कहा जाउथवा सवर्ण संरक्षण फर्मूला कार्यकारी पई संविधान संशोधन करिबा जरूरी। मंगलवार पार्लियामेंट रे संविधान संशोधन बिल आणिबे सरकार। लोकसभा रे आगत होई पारे संविधान संशोधन बिल। संविधान रे 15 और 16 धारा रे संशोधन पई आसिबो बिल। सरकारी चाकरी रे सर्वाधिक 50% संरक्षण रखिबा को पूर्वर सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे सारी छंदे। स्वर्ण समाज में भी बहुत बड़ी तादाद में गरीब लोग हैं और उनके मन में भी था कि जब सबको आरक्षण मिल रहा है तो स्वर्ण समाज में जो गरीब है उसका भी इस देश के संसाधन पर हक है और वो हक देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बहुत मैं उनको बधाई देता हूँ। बिल जदि आईन ने परिणत हुए ताहले वार्षिक 8 लाख टंकारु कम आय थिबा सवर्ण माने पाइबे शिक्षा और सरकारी चाकरी रे संरक्षण सुविधा। एथिस आउ किछि मध्य शर्त रहिछे। सहर रे संभाव्य हिताधिकारी को 1000 स्क्वायर फुट रु कम घर थिबा दरकार। एथिस हिताधिकारी को 5 एकर रु कम चाष जमी थिबा दरकार। ये निर्णय जो है निर्णय बहुत ही बड़ा क्रांतिकारक है, ऐतिहासिक निर्णय है, हिस्टोरिकल निर्णय है, क्योंकि बहुत सालों से सवर्ण समाज में से मांग हो रही थी। महाराष्ट्र में मराठा हो, गुजरात में पटेल पाटीदार हो, हरियाणा में जाट हो, ठाकुर हो, राजपूत हो, ब्राह्मीण हो, सभी जातियां ये बोल रही थी कि भाई SC ST और OBC को आरक्षण मिलता है, लेकिन हमारे समाज में भी इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास की संख्या है, तो ऐसे गरीब लोगों को रिजर्वेशन का फायदा मिलना चाहिए। आर्थिक अनग्रसर सवर्णों पर संरक्षण निष्पत्ति को विरोधी दल मोदी निर्वाचनी चाल बोली कहते। कांग्रेस और अन्य विरोधी दल सवर्ण संरक्षण टाइमिंग को प्रश्न कर। साथियों पर वास्तविकता ये भी है कि 4 साल 8 महीने बीत जाने के बाद वे संसद के सत्र के आखिरी दिन जब 2019 के चुनाव में 100 दिन से कम बचे हैं तभी मोदी सरकार को आर्थिक तौर पर देश के गरीबों की याद आई। ऐसा क्यों? यह अपने आप में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मोदी सरकार की नियत पर प्रश्न खड़ा करता है। कहा जाउछि जे लोकसभा निर्वाचन पूर्वरु सवर्णों पर संरक्षण गैम्बल मोदी सरकार सुचिंतित पॉलिटिकल गैम्बल। SC ST आक्ट को मोदी सरकार समर्थन पर सवर्ण संप्रदाय असंतोष देखाई। तीनटी हिंदी राज्य में विधानसभा निर्वाचन में BJP पराजय पर केतकांश सवर्णों असंतोष को दायी करा। ए दृष्टि सवर्ण संरक्षण मोदी सरकार बड़ निर्वाचन निष्पत्ति कहु। संरक्षण हार 50% रु अधिक हो पार ना सुप्रीमकोर्ट कही सारी। सुप्रीमकोर्ट अनुसार कौन राज्य 50% रु अधिक संरक्षण व्यवस्था करिपारिबे नाही। तेणु तीनटी राज्य पक्षर आर्थिक आधार में संरक्षण व्यवस्था पर होता आवेदन को खारज कर सुप्रीम कोर्ट। पूर्वर भी गरीब सवर्णों को संरक्षण देवाई विभिन्न सरकार उद्यम कर। 1991 मंडल कमिशन रिपोर्ट लागू होगा तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिंह राव गरीब सवर्णों को 10% संरक्षण देवा निष्पत्ति किंतु सुप्रीमकोर्ट यह निष्पत्ति को असंवैधानिक बोली कही खारज कर। परवर्ती समय वाजपेयी सरकार और UPA सरकार भी ए दिगरे पदक्षेप नहीं किंतु किसी फायदा हो नथिला। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया।
उत्तर प्रदेश खनन घोटालार तदंत निर्देश फल देश में सृष्टि राजनैतिक हलचल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी एही तदंत को राजनैतिक प्रतिशोध कार्यानुष्ठान कहते यार प्रतिध्वनि राज्यसभा भी शुणाला बीएसपी एसपी मेंट प्रथम थर खोलाखोली सामनाकु आसी अखिलेश समर्थन में बीजेपी को कड़ा प्रश्न कला बीएसपी सीबीआई तदंत को नहीं राजनीति सरगरम अवैध खनन को नहीं उत्तर प्रदेश में सीबीआई कार्यानुष्ठान पर लखनऊ नहीं दिल्ली जाए सरगरम हो राजनीति ए दुईट चित्र अवैध खनन मामलार तदंत उपर होता महासंग्राम उत्तर प्रदेश में सीबीआई चढ़ाव पर समाजवादी पार्टी संसद में सीबीआई चढ़ाव मामला उठाला राज्यसभा और लोकसभा समाजवादी पार्टी हंगामा कला आ मोदी सरकार सीबीआई दुरुपयोग करुवा अभियोग कला इन सरकार के इशारे पर सीबीआई का दुरुपयोग करने की मंशा है चुनाव से ठीक पहले, लेकिन ये भूल जाते हैं कि पासा इन पर बिल्कुल उल्टा पड़ेगा और कहीं उत्तर प्रदेश में पैर रखने के लिए बीजेपी को जगह नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री को बनारस छोड़कर देश के किसी दूसरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ना पड़ेगा अगर इस तरह की दुर्भिसंध सीबीआई और केंद्र सरकार के बीच है तो। और समाजवादी पार्टी और हमारे सहयोगी दल सड़कों पर उतरेंगे तो इनकी सरकार को काम करना मुश्किल हो जाएगा। वहां सिर्फ एक मुलाकात में जो एक औपचारिक नए वर्ष की मुलाकात थी उसमें जब ये हालत हो गई है कि उनको एक नया गठबंधन ढूंढना पड़ रहा है, उनके बाकी साथी छोड़ रहे हैं उनका साथ और वो नया गठबंधन उनका सीबीआई है उसके शरण में जाकर के आके गिर गए हैं, तो इससे उनकी हताशा दिखती है। संसद रे संग्राम पर बीजेपी भी कला पलटा कर बारे में शुरू में जब ये मामला आज कोर्ट में आया, कोर्ट के बाद सीबीआई ने इसकी जाँच की और जाँच में पाया गया कि उस समय कौन कौन खनन मंत्री थे, तो जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री खनन मंत्री थे उनके समय का ये घोटाला जब सीबीआई ने पेपर्स खंगाले हैं और वो सामने आया है, तो ये अब गठबंधन की या राजनीति की आड़ लेकर बचने का प्रयास कर रहे हैं। अवैध खनन रो तदंत करुथिबा सीबीआई स्पष्ट करिछि जे ही मामला रे तत्कालीन खनन मंत्री को भी पचराउचरा करा जिबो। खनन घोटाला रे अखिलेश यादव को पचराउचरा होई पारे, अखिलेशंक कार्यकाल समय रे ही घोटाला होइथिबा अभियोग रहिछि। 2012-2016 मध्यरे होइछि बालिखादान खनन घोटाला। 2012-2013 जाय अखिलेश यादव थिले उत्तर प्रदेशर खनन मंत्री। जदि अखिलेश यादव स्पष्ट करिछन्ति जे सीबीआई को से तदंतरे पूरा सहयोग करिवे, किंतु अन्य पटे अखिलेश बीजेपी उपरे सीबीआई रो राजनीतिक उद्देश्य रे व्यवहार करबा नै अभियोग करबा सह चेतावनी भी दैछन्। बहुत दिन में जनता में जाना है, सीबीआई थोड़ी चुनाव जिताती है, सीबीआई तो हमसे पूछताछ करेगी, जो जवाब देना होगा हम देंगे, लेकिन जनता तय करेगी और जनता इस बात के लिए तैयार है कि वोट डालने का मौका मिल जाए तब सबक बताएंगे कि बीजेपी तो आपने कितना धोखा दिया जनता। स्पष्ट जे लोकसभा निर्वाचन पूर्व उत्तर प्रदेश राजनीति सरगरम होइछि आउ पुनी थरे सीबीआई रो भूमिका को नहीं प्रश्न करुछन्ति विरोधी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। एप्रिल मे मासरे हेबाकु थिबा लोकसभा निर्वाचन पई बीजेपी आरंभ कर देछि प्रस्तुति। रविवार दिल्ली रे राजनैतिक खेचुड़ी प्रस्तुति करता बीजेपी 2019 रो महासमर पई निजर सेनापतिंको नाम भी घोषणा करिछि। एथि सहित निजर बहु निर्वाचनी कमिटी गठन करी भिन्न भिन्न वर्ग को आकृष्ट करबाकु आरंभ कर देछि उद्यम। महासमर पई बीजेपी रो प्लान 2019 दलितंक पाई खेचुड़ी बीजेपी प्रस्तुत कला सुधर सेनापति। वर्षर प्रथम सप्ताह रे ही बीजेपी चलित वर्ष होबाकु थिबा महासमर पाई निज रणनीति स्थिर कर नेछि। गोटिए पटे देशर बड़ दलित जनसंख्या को निज आड़क आकृष्ट करबाकु राजधानी दिल्ली रे दल राजनैतिक खेचुड़ी प्रस्तुत कला। ठीक से ही समय रे दल युद्ध पाई निज सेनापति ना भी स्थिर कला। बीजेपी 2019 लोकसभा निर्वाचन पाई अंटा भिड़ी सारी। निर्वाचन पर गुरुत्वपूर्ण कहुवा संकल्प पत्र कमिटी समेत बहु अनेक कमिटर घोषणा मध्य करा। संकल्प पत्र कमिटर दायित्व नहीं केंद्र मंत्री राजनाथ सिंह, अर्थमंत्री अरुण जेटली प्रचार प्रसार कमिटर दायित्व संभालिबे। मोदी सरकार आउ जड़े वरिष्ठ मंत्री नितिन गडकरी
सामाजिक स्वेच्छासेवी संगठन संपर्क दायित्व दिया जाएगी। सबुठार गुरुत्वपूर्ण संकल्प पत्र कमिटी नेतृत्व नेबे राजनाथ सिंह। एक कमिटी में मोट 20 जन सामिल हेबे। अरुण जेटली, निर्मला सीतारमण, थावरचंद गहलोत, रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल एहार प्रमुख सदस्य रहिबे। सेपरि प्रचार प्रसार कमिटी पई पीयूष गोयल और राज्यवर्धन राठौर समेत मोट 8 जन लोकों ना सामिल करा जायछि। सामाजिक स्वेच्छासेवी संगठन संपर्क में कैलाश विजयवर्गीय और कलराज मिश्र समेत मोट 13 जन ना सामिल अछि। आपणकु कहि रखुछु जे हा पूर्वरु बीजेपी लोकसभा निर्वाचन पई प्रभारी निजुक्ति उपरे भी निजर प्रस्तुति आरंभ कर देछि। देशर सबुठारु बड़ राज्य उत्तर प्रदेश दायित्व जेपी नड्डा को दिया जाइछि। एतिके नुहे, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह राज्य परे राज्य दलर संभावना सबुक आकलन कर रणनीति में परिवर्तन करुछन्ति। बिहार एनडीए मेंटर सहयोगी सीट भागबंटा करने साई उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र भली दुईट बड़ राज्य एनडीए सहयोगी दलों समस्यार समाधान करने भी बड़ आह्वान। रविवार अमित शाह महाराष्ट्र लातूर में शिवसेना को इशारे चेतावनी देखते मेंट नहले एकुटिया निर्वाचन लड़ा को मध्य इशारा देछि बीजेपी। सेपटे रविवार ही दलित भोटर को दल सह जोड़ा बीजेपी दिल्ली में भीम विजय संकल्प रैली आयोजन कला। प्राय 5000 लोकों पर प्रस्तुत यह खेचुड़ी राजनैतिक संकेत को लुचाइवा कौन उद्यम करा खेचुड़ी कार्यक्रम पर चाउल डाली समेत अन्न्य सब सामग्री दलितों घर अणाला। समाज सबु वर्गर लोकों भितर समानता आने उद्देश्य कार्यक्रम मध्यम बीजेपी दलित मानू आकृष्ट करने को चेष्टा कला। कथा तीन राज्य में क्षमता हर कारण बोध हुए दलित भोटर बीजेपी ठार् मोहभंग अनुमान कर दल लोकसभा निर्वाचन पूर्व एमती सबु समस्या समाधान करने को चाहिए बीजेपी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। कथे जहाँ रखिए अनंत किए करें बलवंत आ कहुए चमत्कार केवल ईश्वर ही करते ठीक एमती एक दृश्यर चमत्कारिता सामना को आसी गुजरातर सूरत सहर मंदिर सामने जड़े महिला सहित है चमत्कार चमत्कार पुणी एमती जहाँ को देखिले आपण आखि को विश्वास हेनी। गुजरात सूरत सहर सकाल दृश्य रास्त चलप्रचल कम थिला और मंदिर रे दर्शन पई लोकों जावासवा थिला। जड़े महिला श्रद्धालु भी प्रतिदिन भली मंदिर सामने पहुंचले और ईश्वर को प्रार्थना कले। तापरे कौन हला पुणी देखंतु और निजो आखि को विश्वास करंतु। आज्ञा हाँ, भगवान को प्रार्थना करुथिबा ही महिला को अलिया बहुथिबा गाड़ी देला धक्का। ड्राइवर गाड़ी को रिवर्स करुथिले तांकु ना महिला जनक पछरे थिबा जणा थिला ना महिला जनक देखिथिले गाड़ी को। गाड़ी रिवर्स होगा क्षण महिला जनक गाड़ी तले पड़गले आउ सेठी खेलीगला होइछि। जे भी ए दृश्य देखिले से गाड़ी पाखक दौड़िले समस्त नजर केवल एक कथा उपरे थिला जे से महिला बंचिछंती ना नाही। लोके किछि करबा पूर्वरु संपूर्ण गाड़ी महिलांक उपर दे चलीगला आउ तापरे जहा हला ताकु देखि लोके चकित रहिगले। आखिरे देखि नथिले हुए तो एक विश्वास हो नथांता जे मंदिर सामने चमत्कार हला भगवान भक्तर जीवन बंचाइले। अलिया बुहा गाड़ी पूरा महिला उपर दे चलीगला किंतु तांकर टिके भी आंचुड़ाक्षत हलानी। महिला जनक उठी मंदिर पहाचरे बसी पड़िले। सेठी लोके ड्राइवर को खूब भलमंद कहिले किंतु समस्तंक भितरे थिला अस्वस्ति। समस्तंक मुहरु बाहरी पड़िला जहाँ को रखिबे अनंत। सूरत सहर रे होइथिबा ही घटना सीसीटीवी कैमरा रे कैद हला और जे भी एही फुटेज देखिला से भी एहा ही कहिले जहाँ को रखिबे अनंत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। स्पेशल स्क्वाड एसीपी संजीव सतपथी पुओ आयुष आत्महत्यार कारण को नहीं चली खोलताड़।
12 ବର୍ଷର ପିଲା ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା କିନ୍ତୁ ତାର ଡାଏରୀରୁ ଯେଉଁ ଚିଠି ମିଳିଛି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୁହରେ ଭିଜାଇ ଦେଇଛି। 12 ବର୍ଷର ଆୟୁଷ ବାପା ମା ଭଉଣୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଡାଏରୀରେ ଲେଖିଯାଇଛି ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଚିଠି। ଚିଠିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ପରିବାରର ପ୍ରତି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ କେତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଆୟୁଷ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପରିବାର ପ୍ରତି ଏତେ ଆସକ୍ତ ଆୟୁଷ କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା? ଆୟୁଷର ଶେଷ ଚିଠି। ମୋ ମା, ଏ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ମହିଳା, ଯିଏ ମୋତେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଓ ମୋର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ମୋ ବାପା, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସିଂହମ ଅଫିସର, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ବିଶାଳ ଉତ୍ସ। ମୋ ଭଉଣୀ, ତା ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ଏକୁଟିଆ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ। ମୋ ଭାବି ପତ୍ନୀ, ଯାହାକୁ ମୁଁ କେବେ ଜାଣିନାହିଁ ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଏସିପି ସଞ୍ଜୀବ ଶତପଥୀଙ୍କ ନାବାଳକ ପୁଅ ଆୟୁଷର ଏ ଶେଷ ଚିଠି ପୁରା ପରିବାରକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେଇଛି ଲୁହ ଓ କୋହରେ। କୁହାଯାଉଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଡାଏରୀରେ ଏସବୁ ଲେଖିଛି ଆୟୁଷ। ଡାଏରୀକୁ ଧରି ଅନବରତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଏସିପି ସଞ୍ଜୀବ ଶତପଥୀ। ଆୟୁଷର ଆକସ୍ମିକ ଅନ୍ତ ପରେ ବାପା ମା ନିଜକୁ କ୍ଷମା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଚିଠି ସହିତ ଅନେକ କିଛି ଭାବିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି ଆୟୁଷ। ତା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପଛରେ ସ୍ୱତଃ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯଦି ପରିବାରକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଆୟୁଷ, ତେବେ କାହିଁକି ପରିବାରଠାରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା? ଆୟୁଷ ଚିଠିର ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦ ଏକ ପରିପକ୍ୱ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ନିଃସୃତ ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ସାମାଜିକ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ବିଚାରରେ ବଳିଷ୍ଠ ମନେ ହେଉଥିବା ଆୟୁଷ ଭିତରେ କିଭଳି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପ୍ରବଣତା ଜନ୍ମ ନେଲା? ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏସିପି ସଞ୍ଜୀବ ଶତପଥୀଙ୍କ ଜୟଦେବ ବିହାର ଘରେ ଘଟିଥିଲା ଏ ଅଘଟଣ। ସଞ୍ଜୀବ କହିଛନ୍ତି, ଶନିବାର ରାତି 10:00ରେ ଟ୍ୟୁସନରୁ ଫେରିବା ପରେ ଘରେ ପୋଷା କୁକୁର ହନି ସହିତ ଖେଳୁଥିଲା ଆୟୁଷ। ରାତି ପ୍ରାୟ 12:30 ଯାଏଁ ଆୟୁଷ ହନି ସହିତ ଖେଳୁଥିବା ଦେଖି ବିରକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଯାହା ଆୟୁଷଙ୍କୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା। ମାଆକୁ ଡରେଇବାକୁ ଯାଇ ଆୟୁଷ ନିଜ ବେକରେ ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାବଶତଃ ସେହି ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପଙ୍ଖାରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିପାରିନଥିଲେ। ଆୟୁଷର ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଶିଆଳଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରବୀର କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।